यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु श्रीवास्तव हूँ। बात करें हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल राहुल को गुजरात चुनाव में जिताने के बाद, जो कि उनकी तरफ से था कि गुजरात में राहुल गांधी को जीत हासिल होगी, लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहे। इसके बाद आज हार्दिक पटेल फिर से एक बार जंग के मैदान में कूद गए हैं और इस बार वो मैदान है पद्मावत। पद्मावत की रिलीज को लेकर हार्दिक ने गुजरात सरकार के सीएम विजय रूपाणी को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने गुजराती स्टाइल में लिखा है, अभी गुजरात में राजपूत समाज और हिंदू समाज की भावनाओं को दुख पहुंचाने वाली फिल्म पद्मावत फिल्म को लेकर कड़ा विरोध चल रहा है। फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि गौरवपूर्ण इतिहास का मजाक ना उड़ाया जाए। वो चाहते हैं कि गुजरात में इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। दरअसल हार्दिक पहले तो गुजरात के दलितों के पालनहर्ता बने हुए थे, जिसे पालनकर्ता भी कहते हैं, लेकिन अब यही पालनहर्ता और पालनकर्ता अब राजपूतों का पालनकर्ता बन गया है और उनके साथ एक राग में गुजरात में फिल्म पद्मावती की रिलीज को रोकने के लिए राग अलाप रहा है। अब देखना यह है कि हार्दिक की इस जंग का गुजरात सरकार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव जरूर लिखें, क्योंकि सुझाव बेहतर बनाता है।